अक्षर के नाम की अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी सुदशरथ अजर बिहारी है सुफल दायिनी रामायण सुख धाम की। है सुफल दायिनी रामायण सुख धाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा जय बोलो श्री राम की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तुम ही तुम हो प्रभु, तुम्हारी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम कृपालु हो, दयालु हो, मैं कृतज्ञ हूँ तुम्हारी। तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे स्वामी को निद्रा से जगा दिया। मैं तुम्हारे जितने गुण गाऊं कम होंगे, बस ऐसी ही कृपा बनाए रखना प्रभु। मेरे बच्चों के सिर पर उनके पिता का आशीर्वाद सदैव रहे, मेरी मां का सिंदूर सदा चमकता रहे। तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम कैलाशपति, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। दीदी दीदी दीदी, आपके देवर जी जाग गए। दीदी जेठ जी, मैं जीवन भर आप दोनों की आभारी रहूंगी। आप निश्चिंत रहें, आपका पति अब युद्ध जीत कर ही वापस लौटेगा। महारानी, आप अपने पुत्रों के मुखमंडल पर विजय की आभा देख रही हैं। इन महावीरों ने वो कर दिखाया जो कोई वीर नहीं कर सकता। सत्य में राम के अस्त्र शस्त्र को विफल करके, उसका त्रिमुखी व्यूह ध्वस्त करके कुंभकर्ण को जगाना प्रशंसनीय है। पिताश्री, काकाश्री को जगाने के लिए होने वाले युद्ध में दोनों पक्ष के वीरों महावीरों के बल पराक्रम धनुर्विद्या और शक्ति सभी कुछ दांव पर लगे थे। परंतु तुमने राम लक्ष्मण और लंका द्रोही विभीषण की शक्ति को मात देकर कुंभकर्ण को जगाया। महारानी, यही राम की पराजय है। नहीं पिताश्री, ये संकेत है राम और लक्ष्मण के विनाश का। काकाश्री रणभूमि में खड़े हैं पिताश्री, और इसका अर्थ है राम और लक्ष्मण के साथ साथ संपूर्ण वानर सेना का विनाश निश्चित है। राक्षसियों, जैसे आग पतंगों को जलाती है उसी प्रकार मैं इन वानरों के झुंड को भस्म कर डालूंगा। महाराज कुंभकर्ण की जय।
प्रणाम काकी श्री। इंद्रजीत, क्या समाचार लाए हो पुत्रों? वही जो आप जानती हैं काकीश्री। परंतु मैं तुम्हारे मुंह से सब सुनना चाहती हूँ। काकाश्री जाग गए हैं काकीश्री, काकाश्री जाग गए हैं। पर उन्होंने राम की सेना का विनाश शुरू कर दिया है। परंतु तुम चारों उनकी सहायता के लिए रणभूमि पर क्यों नहीं रुके? काकीश्री, हम काकाश्री की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? जैसे ही निद्रा से जागे, गर्जना की, उठकर हमें देखकर पूछने लगे। प्रणाम काकाश्री। तुम चारों यहाँ जाकर आए हो, मुझे निद्रा से जगाने आए थे। मैं जाग गया हूँ, जाओ तुम चारों लंका वापस जाओ। परंतु काकाश्री, हम भी युद्ध करेंगे। युद्ध में आपकी सहायता करेंगे काकाश्री। काकाश्री, आपके मार्गदर्शन में आज ये युद्ध सूर्यास्त से पहले ही समाप्त कर देंगे। तुम युद्ध की चिंता मत करो, युद्ध समाप्त हो जाएगा। मैं अकेला ही युद्ध समाप्त कर दूंगा। तुम चारों लंका वापस आओ। जैसी आपकी आज्ञा काकाश्री। और अपनी काकीश्री को बता देना कि मैं उससे बिना भेंट किए रणभूमि में चला आया, इसके लिए वो मुझे क्षमा कर दे। हमें आज्ञा दीजिए काकीश्री। काकाश्री जब युद्ध से वापस लौटेंगे तो लंका में हमें उनका भव्य स्वागत करना है, उनसे बातें करनी है, युद्ध की कहानियां सुननी है। परंतु काकीश्री, हम काकाश्री को अधिक समय तक रोकेंगे नहीं। हाँ हाँ, तत्काल आपके पास भेज देंगे। रुक जाओ सब। जय श्री राम। युद्ध करेंगे क्या? तो युद्ध समाप्त।
वानर राज सुग्रीव को कुंभकर्ण लंका ले जा रहे हैं। उन्हें बचाइए, महाराज सुग्रीव की रक्षा कीजिए। दादा श्री लंकेश को हमारा ये संदेश दो कि उनके मनोरंजन के लिए हम एक मरकट ला रहे हैं। जो आ गया महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। महारानी, जिसकी सेना के बल पर राम ने मुझे ललकारने का जो साहस किया था, उस सेना का अधिपति कुंभकर्ण द्वारा बंदी बनाकर लंका लाया जा रहा है। सुग्रीव भाभी, सुग्रीव, वानर राज सुग्रीव लंका में बंदी बनकर रहेगा। भ्राता श्री लंकेश, यदि राम और लक्ष्मण भी सुग्रीव की तरह बंदी बन जाएं, तो ओ, तो युद्ध समाप्त। कुंभकर्ण ने महाराज सुग्रीव को बंदी बनाया है? हाँ, और वो उन्हें लंका ला रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? परंतु ऐसा हुआ है सीता। आश्चर्य, कुंभकर्ण को किसी ने रोका नहीं? क्या प्रलय पर कोई प्रतिबंध लगा सकता है? महाराज कुंभकर्ण स्वयं एक प्रलय है और उनकी पराजय असंभव है। अकेले महाराज कुंभकर्ण राम लक्ष्मण और उनकी सेना का विनाश कर देंगे। बड़ी बड़ाई कर रही थी तुम अपने राम की, अपने देवर की। मेरे रघुनंदन, मेरे प्रभु, क्या हुआ? सबके सामने सुग्रीव को बंदी बनाकर लाया जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। राम भयभीत हुआ है क्या? नहीं, अर्थात राम ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। नहीं। महाराज कुंभकर्ण के जय। वज्रमाला दीदी, यहाँ तो दीपोत्सव हो रहा है। आज का दिन किसी दीपोत्सव से कम तो नहीं दीदी? क्यों, ऐसी क्या विशेषता है आज के दिन में? मेरे महाबली देवर जी शत्रु के सेनापति को बंदी बना के ला रहे हैं, अथवा उनसे भेंट होगी इसलिए। दीदी सदा खुश रहो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी छुपी है। मरकट, तुम्हारा ये मेरी पकड़ से छूटने का प्रयास मुझे क्रोधित कर रहा है, और अगर मेरा क्रोध बढ़ गया तो बगल में ही दबाकर तेरी धड़कन तोड़ दूंगा। चोट चोट, जामवन जी कुछ सोचिए, उस दुष्ट कुंभकर्ण को कैसे रोका जाए? चोट छोड़ छोड़। मेरे अनुसार हनुमान जी को दिव्य आकार रूप लेकर कुंभकर्ण पर आक्रमण कर देना चाहिए, तभी महाराज सुग्रीव मुक्त होंगे। यदि हम महाराज सुग्रीव को मुक्त नहीं करा सकें तो हम ये युद्ध हार जाएंगे। काकाश्री, मैं आपकी सहायता के लिए आ रहा हूँ। नहीं अंगद, वापस जाओ। तुम मेरी चिंता मत करो, वापस जाओ, जाओ।
युवराज अंगद, धैर्य रखिए, संयम मत खोइए। हमें महाराज सुग्रीव को अवसर देना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए। यदि उस समय में वे अपने आप को मुक्त नहीं करा पाए, तब हम उनकी सहायता करेंगे। तब तक आप वानर सेना का धैर्य बनाए रखिए। तो क्या हम उन्हें बंदी बना देखते रहेंगे? नहीं जामवन जी, महाराज सुग्रीव वानर जाति का गौरव है और हम उन्हें अपमानित नहीं होने देंगे। मित्र लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव सत्य में धैर्यशाली और महावीर है। कुंभकर्ण जैसे महाबली का बंदी बन जाने पर भी महाराज सुग्रीव का धैर्य डगमगाया नहीं। मेरे मन में उनके प्रति आदर और बढ़ गया है। मैंने जैसा सोचा था वो वैसा ही कर रहे हैं। उनका आत्मविश्वास प्रखर है। मेरे अनुमान से वो शत्रु के साथ उसकी नगरी में जाकर उनके आत्मविश्वास को आग लगा कर आएंगे। अरे मर्जन, क्यों गुदगुदी कर रहा है मुझे? भागने के लिए उतावले मत हो। अब तो हम तुम्हें पिंजरे में बंद करके रखेंगे, बच्चों के खेलने के लिए। तुम रंगावासियों का मनोरंजन करोगे और तुम जैसे शत्रु को पिंजरे में देखकर कोई भी दूसरा शत्रु रंगा से युद्ध करने का दुस्साहस नहीं कर सकेगा। हंसो मत कुंभकर्ण, शीघ्र ही रोओगे तुम। दादा श्री लंकेश को हमारा ये संदेश दो कि उनके मनोरंजन के लिए हम एक मार्केट ला रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। कुंभकर्ण मेरे मनोरंजन के लिए मरकट लेके आ रहा है। अब तो मनोरंजन ही मनोरंजन है भ्राताश्री। कृष्णखा, मैं उस मरकट को लंका के बीचों बीच बनवा दूंगा ताकि लंका के बच्चे उस पर पत्थर मारे और वो मरकट्टी के चिल्लाए और बच्चे लंका के हंसे और बच्चों के माता पिता भी हंसे। अब राम क्या करेगा भ्राताश्री? भीख मांगेगा। मुझे मेरी पत्नी दे दो, मेरी सीता दे दो। क्या युद्ध समाप्त हो गया? महाराज कुंभकर्ण ने जागते ही वानर सेना का विनाश कर दिया और महाराज सुग्रीव को बंदी बनाकर वो लंका में ले आए हैं। तो रघुनंदन और सौमित्र, उन्होंने कुंभकर्ण को रोका? महाराज कुंभकर्ण के जय! महाराज कुंभकर्ण के जय! मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, शीघ्र ही रोगे तुम। छोड़ मरकट, छोड़ भैया, यदि कुछ और पर महाराज सुग्रीव नहीं आए तो हमें लंका में प्रवेश करना होगा। महाराज सुग्रीव के बल और शौर्य पर मुझे पूरा विश्वास है लक्ष्मण। वो कुंभकर्ण के आत्मविश्वास के
टुकड़े टुकड़े करके लौट आएंगे। परंतु हम कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे भैया? तुम ये क्यों भूल रहे हो लक्ष्मण कि महाराज सुग्रीव ने स्वयं अंगद को भी अपनी सहायता के लिए ना कहा था? परंतु भैया हमें अपना उत्तरदायित्व नहीं भूलना चाहिए। हाँ लक्ष्मण, हम अपना उत्तरदायित्व कभी नहीं भूलेंगे। हम कुछ देर और प्रतीक्षा करेंगे, फिर भी महाराज सुग्रीव नहीं लौटे तो हम लंका का हर सुरक्षा कवच तोड़कर लंका में प्रवेश करेंगे और आज ही युद्ध समाप्त कर देंगे। सोमवार को देखिए। मेरे रघुनंदन, तुम्हारा और तुम्हारे भाई का दम तोड़ने के लिए तैयार है। मरकट, अभी तुझे अपने पेट में डाल देता हूँ। छोड़ दे मुझे, छोड़।